हाँ, तो मेरा नाम रौनक है। मैं IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। मैं JEE एडवांस 2022 को क्लियर किया था 3600 रैंक से। तो मैं अपनी आज जर्नी शेयर करने आया हूँ। तो इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था। मतलब क्लास 9 10th में एग्जाम्स होते थे ना बहुत से, NSO IMO वो सब। तो उससे मुझे मैथमेटिक्स और साइंस से बहुत इंटरेस्ट आया। तो मेरे पेरेंट्स ने बताया कि IIT नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर पता चला कि IIT में एंट्री लेना बहुत हार्ड होता है, लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंट मेहनत से कर सकते हैं क्लियर। तो कुछ बहुत हार्ड नहीं होता करना। सो JEE क्लियर करने के लिए 10th के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आई बिलीव कि 11 12th से ज़्यादा 10th के होने चाहिए, क्योंकि 11 12th के करने के लिए आपको 10th के आने चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। 10th के अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक्स कर लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। 10th से 11th का जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसको कवर करने के लिए अब कुछ चैप्टर्स है, जैसे लोगारिथम्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, मॉडुलस हो गया, वो सब स्टैंडर्ड टॉपिक्स है, वो कवर कर सकते हैं यूट्यूब से, अब कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल है इजिली वो सब फ्री में। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो सब भी पढ़ सकते हैं पहले आप JEE में। फिर कैलकुलस वाला पार्ट है, वो 12th का पार्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाद में किया जा सकता है। एल्जेब्रा का पार्ट है, लाइक डिटरमिनेंट्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब भी बाकी कवर करने का है। मोस्टली ये भी 11th में हमें करना होता है, भाई 10th से 11th का ब्रिजिंग पार्ट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी। तो मैथमेटिक्स में इन टॉपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, तो इसको कवर करने के लिए NCERT से बेसिक्स आने चाहिए। लाइक NCERT कर लोगे तो NCERT और JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, तो JEE मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा करना। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इजिली क्रैक कर सकते हो फिर टॉपिक को। एडवांस के लिए आपको JEE एडवांस के PYQs कर लेने चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं लाइक सिंगेज हो गया, रिहंत हो गया, वो सब कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। एडवांस के PYQs एनफ रहते हैं उसके लिए। एंड हाँ, 11th के मैथ्स के लिए इतना ही काफी था। लाइक NCERT, JEE मेंस PYQs एंड एडवांस के PYQs। रिविजन के लिए भी PYQs ही यूज करना बहुत रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो PYQs से ही मैच करेंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एक आइडिया रहेगा, पैटर्न का आइडिया रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में। अगर आपसे घर पे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप एग्जाम में भी करके आएंगे, आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा। तो PYQs बहुत हेल्प करेंगे। लाइक मैथ्स की बात नहीं है, तीनों सब्जेक्ट की बात है। और फिर 12th के मैथ्स की बात करें तो उसमें कैलकुलस आता है, एल्जेब्रा आता है, और लास्ट में कुछ कुछ पार्ट वेक्टर थ्योरी का है। तो कैलकुलस क्या है, बहुत डीप थिंकिंग इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट लगती है उसमें। तो इसको करने के लिए लाइक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस तो मैथ्स में ऐसे इन जनरल जरूरी है, बट हाँ कैलकुलस थोड़ी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि तो कैलकुलस का नेचर ही वैसा है। तो इसके लिए भी NCERT करें। लाइक NCERT के बेसिक टॉपिक्स हैं लाइक लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वो सब करके आप JEE मेंस के PYQs से मूव कर सकते हैं। लाइक वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो आपको NCERT अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि तो NCERT और JEE मेंस के बीच का गैप बहुत कम होता है। और आपको समझ अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहे तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल देख लेने चाहिए, इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है तो किसी भी साइट पे। हाँ, एडवांस के लिए JEE एडवांस के PYQs अगेन फिर से काम आएंगे, और एक टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड, अगर आपको PYQs से काम नहीं हो रहा है तो। एल्जेब्रा के लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा हार्ड है, जैसे PMC प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए भी हाँ सिंगेज के एल्जेब्रा रेफर कर सकते हैं। लाइक सिंगेज के एल्जेब्रा बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसके लिए काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। एडवांस की PYQs बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लाइक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आजकल रिसेंट 2 3 सालों में बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो तो सवाल क्या, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इजिली आप स्कोर कर सकते हैं। लाइक उतना दिमाग नहीं चाहिए होता मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो PYQs बहुत हेल्पफुल रहेगा उसमें। फिर हाँ, वेक्टर थ्रीडी का पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इंट्यूशन डेवलप कर लेंगे वेक्टर थ्रीडी सॉल्व करने का। लाइक ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन लगाना है, परपेंडिकुलर तो क्या इक्वेशन लगाना है, एक्सेट्रा वगैरह। तो इसके लिए भी आप NCERT रेफर करें। लाइक NCERT की वेक्टर थ्रीडी की लाइक टॉपिक्स है लास्ट 2 चैप्टर, उससे आप एडवांस से क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। लाइक NCERT एडवांस के लिए एक ही टॉपिक के लिए सफिशियंट है, लाइक वेक्टर 3D के लिए। और कोई टॉपिक के लिए एडवांस के लिए सफिशियंट नहीं है NCERT, मेंस के लिए है,
बट हाँ वेक्टर टू थ्री डी के लिए एडवांस के लिए भी सफिशियंट है वो। और फिर एग्जाम के पहले आपको अपनी वैक्यू सारे रिवाइज कर लेने हैं, स्पेशली 2015 के बाद के, लाइक 2015 16 17 उसके बाद के सारे अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट ईयर से भी उसी के आ रहे हैं, लाइक 2014 और उसके पहले के जो सिंगल करेक्ट थे सब्जेक्टिव थे वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ओपिनियन में। और फिर एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस अगर करनी है तो कुछ कुछ ओलंपियाड प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आपसे एडवांस के हो रहे हैं तो। मैथमेटिक्स तो हो ही गया, तो इसका समरी यही था मैथमेटिक्स का कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप जेई मेन्स के पीवाईक्यूज करें, पीवाईक्यूज करने से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मुझसे क्लियर हो सकता है जेई। और फिर एडवांस के लिए आपको कुछ थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी है, बट मेन्स की थ्योरी के साथ साथ आपको प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाना है, लेवल का आपको कलेक्शन बेस्ट मिलेगा जेई एडवांस की पीवाईक्यू से, और कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आती हैं उससे अगर पीवाईक्यू सबसे हो गए तो। रिविजन के लिए भी पीवाईक्यू यूज करें, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और आप तीन चार अलग अलग बुक्स ना रेफर करें, अगर आप बुक से रेफर करना चाहते हैं तो एक बुक खरीदें उसी पर चेक करके रहें, लाइक तीन चार बुक से पढ़ने को से अच्छा है एक ही बुक को तीन चार बार पढ़ लूँ। मैथ्स के लेते हैं काफी था, फिजिक्स आते हैं तो जेई की फिजिक्स के लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं इसको, एक कॉन्सेप्ट और एक एप्लीकेशन है। फिजिक्स में आपको क्या फील करना आना चाहिए थोड़ा, तभी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वरना थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जेई का फिजिक्स मोस्टली चालू होता है वेक्टर्स से, क्लास 11th में वेक्टर्स बेसिक कैलकुलस वगैरह पढ़ाते हैं, इससे आपको बाकी जिसे टॉपिक्स है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, वो बेसिक है, फाउंडेशन है, इनके बिना आप आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं वेक्टर्स और बेसिक कैलकुलस को फिजिक्स में। तो इनको मास्टर करना बहुत इजी है, मेंस में से एक दो सवाल आ जाते हैं कभी कभी तो इजी के लिए। उसके बाद यूनिट डायमेंशन हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, ये सब भी काफी इजी टॉपिक्स हैं, एंड इनको अच्छे से करके जाने से मेंस में दो तीन क्वेश्चन फ्री के हो जाते हैं आपके। इसके बाद काइनेमेटिक्स का पार्ट आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बल पावर एनर्जी, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स वन थोड़ा इजी होता है, तो काइनेमेटिक्स एनएलएम तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, काइनेमेटिक्स से ग्राफिकल क्वेश्चन पे खास करके ध्यान दें, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, कि बॉल को इधर से ड्रॉप किया तो ग्राफ बताओ इसका, इस साइड से ड्रॉप किया एक्सीलरेशन निगेटिव कर दिया, वो सबसे डिफरेंट सिनेरियोज में आपसे पूछेंगे एडवांस वाले कि बॉल क्या फेस करेगी वो सब, तो उसका ग्राफ बनाने देते हैं आपको, तो ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए और ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं आप लोग, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है मैथ्स का तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी रेफर करें, एनसीईआरटी के थ्योरी बहुत अच्छी है फिजिक्स की, जेई फिजिक्स की बहुत अच्छी थ्योरी है एनसीईआरटी की, अनलाइक मैथ्स, मैथ्स की थ्योरी उतनी अच्छी नहीं बोलूंगा मैं, बट कॉन्सेप्ट अच्छे हैं मैथ्स के, बट हाँ थ्योरी फिजिक्स की बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की, वो आप रेफर आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन के लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मतलब बहुत बेसिक है जेई के लिए, बट हाँ बेसिक के लिए कर सकते हैं आप, और मेन्स की पीवाईक्यूज डेफिनेटली करें, मेन्स की पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की पीवाईक्यूज में लेवल का गैप थोड़ा रहता है, बट हाँ मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन बढ़ाने के लिए अपना एचसी वर्मा सॉल्व करें, बहुत अच्छी किताब है, लाइक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं उसके, एक एक सवाल में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और बाकी डीसी पांडे ये सब और भी किताबें आती हैं, वो सब बहुत हेक्टिक हो जाती हैं, बहुत लेंदी है सॉल्व करने के लिए, तो उससे बेटर रहेगा एचसी वर्मा पीवाईक्यूज पे स्टिक करना, और अगर टाइम बच रहा है तो फिर तब करा जा सकता है, बट बेटर रहेगा रिवीजन के लिए भी पीवाईक्यूज यूज करना एडवांस के। फिर मैकेनिक्स 2 का पार्ट आता है, उसमें लाइक एसएचएम हो गया, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब है, तो इन सब में क्या है ना काफी लिंक टॉपिक्स है तीनों ये, तो तीनों से मिला के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एडवांस में, खासकर एडवांस में दो तीन टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बना देंगे, तो इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा मिलाया जाता है, तो इनको प्रैक्टिस करने से एडवांस से बहुत बेनिफिट रहता है आपको, क्योंकि जे एडवांस वाले मैकेनिक्स थोड़ा हार्ड सेट करते हैं इन जनरल, तो मैकेनिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको एडवांस में, लाइक 40% पेपर मैकेनिक्स का आता है, एंड मैकेनिक्स में लाइक 40% में 20% तो काफी स्कोरिंग रहता है, तो अगर वो मास्टर कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा मैकेनिक्स में। फिर थर्ड पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टॉपिक्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म ये वगैरह,
तो इन तीनों में सबसे इजी मैं बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लाइक क्लास 10th में जो पढ़ा होगा वो 90% ओवरलैप करता है, तो कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा आपको ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट क्वेश्चन इससे मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं, लाइक 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फ्री का मार्क्स बोलूंगा मैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैट से तीन पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, एक तो फ्लक्स वाला पार्ट है, एक फील्ड का पार्ट है, एंड एक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला पार्ट है। फ्लक्स वाला पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट तो काफी इजी एंड स्कोरिंग है, तो वो तो अच्छे से करें। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट हाँ उससे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए वापस से एनसीईआरटी के बेसिक्स रेफर करें और मेंस की पीवाईक्यूज, और अगर क्वेश्चन ना बने तो कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाएं, उसको ऑनलाइन देख लें, और सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं आपके। उसके बाद एक पार्ट आता है थर्मल फिजिक्स का, लाइक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसमें 2-3 पार्ट्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, एक है थर्मोडायनेमिक्स का, और एक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सब। तो इन तीनों में तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो लाइक बहुत इजी टॉपिक है, वो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे एटॉमिक स्टेट में, उससे मैं आऊंगा बाद में, बट हाँ काफी इजी टॉपिक है KTG, वो आप ऑलरेडी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। फिर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है, थर्मोडायनेमिक्स में वही आपको ग्राफ मास्टर करना है, लाइक आपको दे देंगे कि गैस इस स्टेट से इस स्टेट में जा रही है, आपको बताना है वर्क डन कितना हुआ, हीट ट्रांसफर कितना हुआ वगैरह वगैरह। तो आपको ग्राफ आने चाहिए, आपको इक्वेशन दे देंगे, ग्राफ प्लॉट करके बोलेंगे बताओ सर ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आना चाहिए आपको, ग्राफ एनालिसिस, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। मैथ्स में आप क्वेश्चन करेंगे कैलकुलस के, तो आप समझ जाएंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अच्छे से, और बहुत बेनिफिशियल होता है ग्राफ समझना, लाइक ग्राफ स्केल से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ मास्टर कर लें, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह बहुत ईजी रहता है। हाँ तो थर्मोडायनेमिक्स का काफी स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में एडवांस में, और ये काफी इजी है, मतलब मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ग्राफ बेस्ड है, तो अगर मास्टर कर ले तो बहुत इजी टॉपिक हो जाता है ये, फ्री के मार्क्स में बोलूंगा इसे। मास्टर करने के लिए इसको आप भाई जेई मेंस की पीवाईक्यू से एडवांस की पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। एंड थर्मोडायनेमिक्स में लाइक एडवांस में कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, पिस्टन वाले, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना होता है, तो उससे घबराए ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यू से, वो आपसे बन जाएगा, तभी हार्ड नहीं होता है, बट हाँ समझना अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, एक है हमारा रे ऑप्टिक्स जिसे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स लाइक क्लास 10th पे पढ़ा होगा आपने रिफ्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन, उससे बहुत ओवरलैप करता है, काफी इजी टॉपिक है देखा जाए तो। उसमें लाइक सिर्फ 2 फार्मूलाज हैं मोस्टली, लेंस मेकर एंड मिरर फार्मूला, वो सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं मेंस में, तो अच्छे से करके जाए। प्रिज्म वाला पार्ट थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट कर लें उसको, मटेरियल वही सेम रहेगा, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा एंड पीवाईक्यूज। फिर एक आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा मैं हार्ड बोलूंगा इसे, लाइक ऐसे क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं बच्चों को, बट इसमें आप YDFC जरूर से कर लें, YDFC ये बेसिक क्वेश्चंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन मेंस के लिए, क्योंकि तो ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स है मेंस के लिए एटलीस्ट, एंड स्कोरिंग अगर मेंस के लिए देखा जाए तो। बट एडवांस में बहुत ऐसे घुमा फिरा के दिया जाता है जो कि बहुत हार्ड बन जाता है, तो एडवांस के लिए मैं ऐसे स्किप कर सकते, टाइम नहीं है तो, बट टाइम है तो कर लो सब कुछ। फिर टॉपिक आता है हमारा साउंड का, वेव्स एंड साउंड का। तो वेव्स एंड साउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है शुरू में उसके क्वेश्चंस की वजह से, बट अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो मेंस के लिए काफी सही है, एंड एडवांस में कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, तो मटेरियल वही सेम रहेगा हमारा, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा एंड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक रिविजन में बहुत काम आते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। एंड हमारा लास्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 टॉपिक्स है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एक्सरेज हो गया, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम नहीं न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और एटॉमिक फिजिक्स, ये 3-4 पार्ट्स है उसमें। तो 3-4 पार्ट्स के लिए 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस और एडवांस दोनों में, और ये काफी इजी टॉपिक है, लाइक फिजिक्स के 5-6 पार्ट्स में सबसे इजी टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स हमारा। और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट्स लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री से ओवरलैप करते हैं, तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इन दोनों टॉपिक को, तो आपको फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड इसके क्वेश्चन लाइक मेंस के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, लाइक बहुत ही टॉपिक है, तो एडवांस वाले भी इसको हार्ड नहीं बनाते इतना, मतलब देखा जाए तो थ्योरेटिकल लेवल पे ये बहुत हार्ड टॉपिक्स है रियल लाइफ में, बट
बट जेई में ये बहुत इजी आते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं. फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल, और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, तो मजा भी आता है पढ़ने में. इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा और वीक इन मार्क्स से. तो फिजिक्स में यही समझ निकली कि हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए एनसीईआरटी से, एंड एप्लीकेशन हमें सीखना है प्रॉब्लम्स करके. अगर आपको मैकेनिक्स में क्या है, इन जनरल आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, लाइक मास है, उसका वेट इधर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, आप जानते हैं निकालना. एफबीडी सीख जाएंगे आप लोग अगर आप नहीं जानते हैं तो. एफबीडी निकालने मैकेनिक्स में बहुत काम आता है. एंड मैकेनिक्स में एफबीडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इक्वेशन सबको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. हाँ, एप्लीकेशन के लिए आपको बस वही प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल है हमारे पास, एचसी वर्मा, पी वाई क्यूज, हाँ एचसी वर्मा पी वाई क्यूज, एंड थ्योरी के लिए एनसीईआरटी. अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे रेफर कर सकते हैं, और भी आपके पास मटेरियल होंगे ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है. तो फिजिक्स के लिए तो काफी था, अब तो केमिस्ट्री पाएंगे हम लोग. हाँ, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. केमिस्ट्री में तीन पार्ट है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, रियल लाइफ का, किसी केमिस्ट्री केमिकल्स का फिजिकल स्टेट के बारे में. फिर से एक बार, केमिस्ट्री में तीन पार्ट्स है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है. तो अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, इन्हें अप्लाई करना आता है, तो ये बहुत ईजी होता है. तो उसमें दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं, बहुत कम दिमाग लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में. सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है एंड आंसर लेके आना है, एंड आपके नंबर आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में. इसके टॉपिक्स हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से ओवरलैप करता है, तो फ्री के मार्क्स हैं ये भी. मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है केमिस्ट्री में इन जनरल. स्टेट ऑफ मैटर यानी गैसेस स्टेट, इसमें वैन डर वाल इक्वेशन अच्छे से कर लेना, और बाकी आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह भी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आता है. और इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब टॉपिक्स हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एक्सेट्रा. तो इनमें से कुछ टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये सब बहुत ईजी है. बट लाइक इक्विलिब्रियम थोड़ा हार्ड लग सकता है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत पीएच निकालने में कंफ्यूजन होती है. तो बट स्टिल प्रैक्टिस करेंगे इक्विलिब्रियम जैसे हार्ड टॉपिक्स को, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी रेफर करें, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है केमिस्ट्री की, लाइक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है. तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, थ्योरी के लिए काफ़ी है एनसीईआरटी. एंड जेई मेंस के लिए आप प्रैक्टिस करें उसकी पीवाईक्यूज बहुत ईजी है केमिस्ट्री के, आई वुड से लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे ईजी पार्ट है हमारा केमिस्ट्री. एक टाइम बचाता है, क्योंकि मैथ्स में आपको चार नंबर लाने के लिए 5-10 मिनट देना पड़ता है प्रॉब्लम पे. वही सेम चार नंबर लाने के लिए आपको केमिस्ट्री में लाइक 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है, लाइक 30 सेकंड से भी हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है. तो बहुत अच्छा रहता है अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग हो तो. फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ही था कि आप फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करें, एप्लीकेशन सीख लें, लाइक सिमिलर टू फिजिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री, नाम से भी दिख रहा है वो. नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड से तीनों में सबसे टफ पार्ट है थोड़ी, फिजिकली ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक में तीनों में सबसे टफ मैं ऑर्गेनिक को मानता हूँ. बट हाँ, अगर मास्टर कर लेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट हाँ, रिस्की है काफ़ी पढ़ना है इसको, क्योंकि रिस्की इन द सेंस कि एडवांस में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे बहुत बार, कि आपसे सॉल्व भी ना हो. आपने अगर कितना भी पढ़ लिया हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है. बट या मेन्स के लिए, एडवांस के लिए भी इन जनरल तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 33% वेटेज अराउंड रहता है, 33-35% वेटेज रहता है ऑर्गेनिक का. फिजिकल का रिलेटिवली ज़्यादा रहता है एंड इनऑर्गेनिक का कम रहता है इन जनरल. बट पेपर को कभी भी कैसा आ सकता है, तो हम प्रिपेयर रहना है तीनों टॉपिक का, कैसे प्रिपेयर करें. ऑर्गेनिक में क्या है, आपका जीओसी नाम का चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए. तो उसको स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें उसके. एनसीईआरटी मैं उसके सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी जीओसी के लिए. एनसीईआरटी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है मैं मानता हूँ. इसके लिए आप एमएस चौहान नाम की किताब आती है, वो रेफर कर सकते हैं. नहीं तो आप ऑनलाइन मटेरियल देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है. आप मुझे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में. तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें जीओसी के अच्छे से, क्योंकि जीओसी आपको जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म का बेस देता है, कि ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड क्यों कर रहा है,
लाइक ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक कर रहा है तो क्यों अटैक कर रहा है, ये जीओसी आपको एक्सप्लेन करता है, तो नया रिएक्शन आता है। अगर आपके जीओसी स्ट्रांग है तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि आप सॉल्व करके आ जाओगे कंपेयर टू अनदर किड जिसको नहीं आता जीओसी उतना अच्छा। तो जीओसी स्ट्रांग रखना है एंड काफी काम आएगा। उसके बाद मैकेनिज्म प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक में क्या कुछ बेसिक मैकेनिज्म SN1 SN2 E1 E2 एसिड बेस रिएक्शन एक्सेट्रा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब कुछ बेसिक मैकेनिजम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं, इन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि एग्जाम में 70-80% इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हाँ एंड बाकी टॉपिक से लास्ट के ऑर्गेनिक के लाइक बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, अमीम्स हो गया, ये सब टॉपिक अच्छे से कर लें क्योंकि जेई मेंस में इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है कम्पेयर टू एडवांस, एंड अगर एडवांस में आते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इन्हें अच्छे से कर लेना है, लाइक अमीम्स हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री हो गया एक्सेट्रा, ये सब टॉपिक्स बहुत इजी हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक, मोस्टली रटने का पार्ट है इनमें, तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि MS चौहान रेफर कर सकते हैं या फिर आप कोई मटेरियल ढूंढ लें ऑनलाइन फ्री में, एंड PYQs, यस PYQs एडवांस केस के बिल्कुल करके जाएं क्योंकि जे एडवांस में ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि आपको एक बड़ा सा एक पेज का क्वेश्चन दे देगा, उसमें 10-15 रिएक्शन दे देंगे आपको, मतलब एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट दे देगा, फिर उस पर 5-6 ऑपरेटर लगा देगा कि 5-6 बार रिएक्शन किया गया तो क्या बना, उससे क्या बना, फिर उससे 5 ऑपरेशन लगा देगा, तो लाइक एक ही क्वेश्चन में 15-20 रिएक्शन कवर कर लेते हैं बोलिए, तो अगर एक भी रिएक्शन नहीं आता हो तो आपका पूरा क्वेश्चन जा सकता है, तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं मैथ बोलता हूँ केमिस्ट्री का, लाइक थोड़ा रटने का ही पार्ट है लेकिन रट के समझ लो तो बहुत, मतलब रटने का है मतलब इन द सेंस कि आपको कुछ तो रटना ही पड़ेगा कि इस केमिकल को यूज करें तो ये बन रहा है एक्सेट्रा वगैरह, तो वो रट लें, उनको समझ लें क्यों काम कर रहा है और फिर मैथ की तरह प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा स्कोर बन सकता है, एंड मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम नहीं चलेगा। हाँ ऑर्गेनिक में इतना ही था, तो ऑर्गेनिक में वही काफी है, प्रैक्टिस बहुत काम है। नेक्स्ट पार्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली रटने वाला पार्ट है, लाइक मैं आधा आधा बोलूंगा, आधा रटने का आधा समझने का है, तो आधा रटने का आधा समझने का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझने वाला पार्ट है लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ये सब इसमें फ्री के मार्क्स बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है, लाइक बाकी चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, लाइक केमिकल बॉन्डिंग से 2-3 सवाल आते हैं हर साल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 1-2 सवाल आ जाते हैं, तो आपके 3-5 मार्क क्वेश्चंस बन जाते हैं मेन्स और एडवांस दोनों में। एंड केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक बाकी पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, तो केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो आपका बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होगा, लाइक ऑर्गेनिक में जीओसी स्ट्रांग होने से बाकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने से बाकी पूरी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी। इनऑर्गेनिक में एक और टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल नाम का, तो पीरियोडिक टेबल से आपको एक जनरल ट्रेंड का आइडिया लगता है कि इस ग्रुप में क्या चल रहा है, इस पीरियड में क्या चल रहा है, तो पीरियोडिक टेबल भी अपना स्ट्रांग कर ले क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल आपको लगेगा कि बहुत काम आ रहा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एक्सेट्रा में, क्योंकि वो काफी रटने वाले टॉपिक है बट अगर आप उसमें थोड़ा बहुत भी समझने वाला पार्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं खुद से तो आपको याद करने में आसानी होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक मैं जनरल कुछ टिप्स देना चाहूंगा, लाइक आप थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी रेफर करें, मैं इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एनसीईआरटी 100% सफिशियंट है जेई एडवांस तक के लिए इनऑर्गेनिक की, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी करना, फिर आप नहीं करके जाओगे तो इनऑर्गेनिक आपका पूरा गायब हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए। वही ट्रेंड तो ऑर्डर वही रहेगा, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एक्सेट्रा इस ट्रेंड में पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा ऑर्डर है पढ़ने के लिए। एंड एनसीईआरटी खोल के आप रिएक्शंस को हाईलाइट कर लें क्योंकि कुछ रिएक्शंस क्या है ना रटने वाले हैं, आप कुछ रिएक्शन को समझ बिल्कुल नहीं सकते हो, आप 80% रिएक्शंस को नहीं समझ सकते हो इनऑर्गेनिक के, 20% को आप कुछ कुछ समझ सकते हो ऑर्गेनिक की नॉलेज से बट हाँ 80% आपको नहीं समझ में आया कैसे हो रहा है कैसे प्रोसीड कर रहा है, तो आपको रटना ही पड़ेगा एट द एंड, तो रटने के लिए आपको उसको रिएक्शन को आप हाथ से लिखे पेपर है प्रैक्टिस करें खुद से लिख लिख के याद हो जाएगा आपको, नहीं तो हाईलाइट करके बाद बार रीड करें
इनऑर्गेनिक मास्टर करने का एक ही मेथड है, उसको बार बार रीड करना. लाइक आज मैंने एस ब्लॉक पढ़ा पूरा, तो मैं एक हफ्ते बाद फिर से खोल के पढ़ूंगा उसको, तो मुझे सब याद रहेगा. इनऑर्गेनिक का ये सीन है. तो एंड इनऑर्गेनिक मैंने फुल लाए थे जी एडवांस में, ओनली थ्रू एनसीईआरटी. लाइक सारे क्वेश्चन मैं करके आया था, क्योंकि मुझे अच्छे से आती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं सब रख के गया था इनऑर्गेनिक में. एंड बताया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि कुछ नए सवाल आते हैं तो इनकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें इजीली. तो एक चैप्टर है क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम का, वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, एंड काफी रटने वाला पार्ट है उसमें. तो वो आप एडवांस के लिए स्किप कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए. बट टाइम नहीं है तो काफी लास्ट का टॉपिक है तो हम स्किप कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहिए उसको. वो भी काफी लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए आप कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं उसे कलर्स रिवाइज करने के लिए, कि लाइक इस कंपाउंड का कलर ये था तो मैं इस कलर की पेपर पे इसका नाम लिख देता हूँ, मुझे याद रहेगा. आप ये हेल्प ले सकते हैं, मैं इसी के थ्रू किया था उसका नाम याद. एंड हाँ, तो केमिस्ट्री के लिए यही जनरल टिप्स थी कि एनसीईआरटी अच्छे से कर ले. लाइक जितनी एनसीईआरटी आपको फिजिक्स एंड मैथ्स में काम आएगी, उससे 10 गुना ज्यादा हेल्प आपको केमिस्ट्री में देगी एनसीईआरटी. लाइक बहुत हेल्पफुल एनसीईआरटी इसके लिए. तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर ले, काफी अच्छे से कर ले, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. जेई मेन्स की पीवाईक्यूज अच्छे से एकदम कर लें, क्योंकि जेई मेन्स की पीवाईक्यूज रिपीटेटिव होते हैं नेचर में. लाइक लास्ट ईयर जो आया था, इस साल भी वही आएगा 90%. तो अगर आप अच्छे से मास्टरी कर लेते हैं उनकी, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर बनेगा केमिस्ट्री में. एंड केमिस्ट्री नंबर बढ़ाता है जेई. लाइक मैथ्स आपका टाइम खाता है, केमिस्ट्री नंबर बढ़ाता है. तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना ही था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए. एंड बोर्ड्स के लिए आप जेई के साथ साथ आप बोर्ड्स कर रहे होंगे, तो बोर्ड्स के लिए आप लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको कुछ अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है. आप एग्जाम के एक दो वीक पहले सीबीएसई बोर्ड्स के पीवाईक्यूज देख लें, मतलब खुद से ऊपर से सॉल्व करने का टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप खुद से एक बार देख लें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक बार ट्राई करके देख लें. आप प्रॉब्लम्स को लिखना सीख लें, क्योंकि जेई के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं, बट बोर्ड्स में वो आप नहीं लगा सकते. तो उसके लिए आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, आप एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस कर लें, काम अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा स्कोर आएगा. एंड आपके बाकी टॉपिक्स होंगे इंग्लिश के, लाइक इंग्लिश होता है कुछ का, किसी का फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग वगैरह होता है, तो आप वो संडे संडे पढ़ सकते हैं. लाइक एक घंटे संडे संडे पढ़ लें, उससे हो जाएगा. आपको जेई की लाइफ से थोड़ा छुटकारा भी मिलेगा एक घंटे के लिए, और आपका बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी. तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं मानता हूँ. कुछ जनरल टिप्स मैं देना चाहूंगा, आपको जनरल टिप्स देना चाहूंगा रिगार्डिंग जेई की जर्नी 2 साल के लिए. तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, क्लास 11th के स्टार्टिंग से लेके जेई एडवांस के एक वीक पहले तक की. तो जब 11th स्टार्ट करते हो तो आप में काफी एनर्जी रहता है पढ़ने का, लाइक कि आपको जेई करना है, जेई करके रहना है. तो वो एनर्जी काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आप उसको यूटिलाइज करें. लाइक स्टार्टिंग में खाली वेक्टर्स वगैरह में नहीं लगे रहें, वेक्टर्स मोर कॉन्सेप्ट, आप वो एनर्जी बचा के रखें बाद के लिए भी. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग के एक चैप्टर में बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, फिर ना ग्राफ बहुत नीचे जाने लगते हैं. तो उससे बेटर है कि स्टार्टिंग के आप 3-4 चैप्टर काफी अच्छे से करें. लाइक पर्सनली मैंने भी ये किया था कि तीनों टॉपिक के पहले चैप्टर बहुत स्ट्रांग कर लिए थे, फिर मैडम देखा था कि अगली टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले इतने अच्छे से पढ़ लिए थे कि सेकंड वाले में मतलब मुझे समझ में नहीं रहा था क्या चल रहा है, मैं ध्यान उन पर दे ही नहीं रहा था. तो ये गलती नहीं करनी है, एंड आपको अपने एनर्जी यूटिलाइज करना है. लाइक तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, चैप्टर भी डिवाइड करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टाइम देना है. तो स्टार्टिंग में आपके पास बहुत एनर्जी रहेगी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद, तो आपको मेंटेन करके रखना है. क्योंकि आप जब 3-4 चैप्टर कर चुके होंगे 11th के, तो आपके आपको लगेगा कि ये तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, मैकेनिक्स का रोटेशन आ गया, फ्लूइड आ गया, सब तो हार्ड टॉपिक्स हैं. केमिस्ट्री में लगेगा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हार्ड है, तो तीनों सब्जेक्ट के हार्ड टॉपिक्स एक ही साथ आ जाएंगे, आपको लगेगा तो जेई नहीं होने वाला. बट वो सिर्फ एक फीलिंग है, अपेरेंट फीलिंग है, उससे बच के रहना है, प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाएगा. एंड मटेरियल बताई दिया मैंने, वो आप रेफर कर सकते हैं. एंड फिर मॉक टेस्ट देते रहे, मतलब मॉक टेस्ट के मंथ में आप 2-3 मॉक टेस्ट शुरू में देते रहे 11th में एटलीस्ट. लाइक मंथ के
दो या तीन बार, लाइक आज दे दिया, अगली वीक दे दिया, फिर 2 वीक बाद दे दिया, ऐसे कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल रहता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है फ्री अगर आपके पास नहीं है तो। अगली टिप है मतलब नींद को कंट्रोल में करके रखना, लाइक बहुत बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत बच्चे बहुत कम सोते हैं, तो आई गेस मेंटेन करके रखना बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 8 घंटे की नींद जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो अच्छे से सोएं। और पढ़ाई के अलावा और भी कुछ फ्री टाइम में करें, लाइक पर्सनली मैं रूबिक्स क्यूब वगैरह सॉल्व करता था, एंड गेम्स वगैरह खेलता था, आप भी कर सकते हैं, बट लाइक कंट्रोल में करिएगा कुछ भी, जो भी करें आप, लाइक बैलेंस करके रखना पढ़ाई और हॉबीज को। तो हाँ, 12th के स्टार्टिंग में आपके पास वापस एक एनर्जी आ जाएगी जो कि 11th के स्टार्टिंग में थी, एंड इस बार आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि 11th के एंड तक आपके पास 3-4 चैप्टर्स के बैकलॉग्स आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास आते हैं वो, तो उसको यूज करके बैकलॉग क्लियर कर ले पक्का, क्योंकि बैकलॉग्स का बहुत दिक्कत देता है जो की जर्नी में, बैकलॉग्स आते जाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं इस कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ तो ये कहीं और पढ़ा रहे हैं, मैं पीछे हो गया हूँ, कि लाइक अगले महीने एग्जाम है, अब मुझे कुछ नहीं आता, ये वाली फीलिंग आने लगती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप 11th के एंड में बैकलॉग्स अपने सारे क्लियर कर लें। मैंने 11th के एंड में किया था, एंड आई गेस बहुत बेनिफिशियल रहा क्लियर करना, क्योंकि 12th के एंड में एनर्जी रहती है तो आप वो ओवरफ्लो होती है, तो ओवरफ्लो करने से आप यूज करें उसको, यूटिलाइज करें। एंड 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फंक्शंस हो गया मैथ्स में, केमिस्ट्री में क्या ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो ये सब काफी इजी टॉपिक्स हैं, तो आप इनको मास्टर कर लें, तो लाइक आपको एडवांस में फायदा देगा और प्लस आप बचे हुए टाइम को बैकलॉग क्लियर करने में यूज कर सकते हैं। फिर 12th में आप कैलकुलस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे से प्रैक्टिस कर लें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड 12th में आप मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा दें, और मॉक टेस्ट आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे दें, लाइक कि मैंने 11th की स्टार्टिंग में पहले चैप्टर का दिया, फिर अगले मंथ मैंने 3 चैप्टर का मिला के दे दिया जो मैंने पढ़ रखा हूँ, तो 12th में आप 11th का पूरा, 12th का जो जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक क्यूमुलेटिव टेस्ट लें, आप खुद से पेपर्स उठाएं, सॉल्व करें, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल नहीं है तो, वैसे आपको मॉक टेस्ट इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लाइक आप अगर आप बुक्स यूज कर रहे हैं तो आप 3-4 बुक्स के जगह एक ही बुक्स पे स्टिक करके रहें, लाइक तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बुक पे स्टिक करके रहेंगे तो आपको थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 3 अलग अलग बुक है, 3 अलग अलग मेथड यूज करती है वो एक टॉपिक को समझाने के लिए, लाइक अलग इलस्ट्रेशन यूज करती है, तब वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बहुत लोगों में होता है, तो अवॉइड करने के लिए आप एक ही सोर्स यूज करें, एक ही सोर्स है बुक जो भी यूज कर रहे हैं, एक ही यूज करें और उसको मास्टर कर लेते हैं, बहुत आपको फायदा। पेपर अटेम्प्ट करने की मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लाइक आप एग्जाम दें, मतलब रियल एग्जाम दें जेई का या फिर मॉक टेस्ट दें, तो आप सब्जेक्ट वाइज नहीं करने की जगह आप तो पेपर को लेवल वाइज करें, लेवल वाइज मतलब क्वेश्चन इजी मीडियम हार्ड में डिवाइड कर लें, और कैसे डिवाइड करेंगे एग्जाम वाले में बताता हूँ मैं। देखिए आप जब क्वेश्चन खोलेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, तो आप क्वेश्चन दिखा पहला, आपने उसको देखा, अगर आपसे हो रहा है वहीं पे करो, ये तो नेक्स्ट कर दो, सिंपल है, आपको दिखा और आपसे हो रहा है, दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो कर दो, ये तो नेक्स्ट करो, फिर अगला क्वेश्चन खोला, फिर आपको लगा ये नहीं हो रहा है मुझसे, तो स्किप करो, तुरंत स्किप करो, दिमाग भी नहीं लगाना है, वैसे कर करके आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पेपर को स्किम थ्रू करते रहें, और जो क्वेश्चन है जो देख के हो जा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर, वह पहले कर लें, तो इससे आपके पेपर के सारे ईजी क्वेश्चन हो गए जो आपके लिए ईजी थे, आपको लग रहा था कि आपसे हो जाएंगे ना, आपने उसको अच्छे से कर लिया है, तो आप एक तरह से पेपर के सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने हाँ कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपको ये सेम साइकिल रिपीट करनी है, इस बार आपको देखना है जो क्वेश्चन आपको देखने लगे थे कि मुझसे, इस बार आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस मुझे देख के लग रहे थे कि मुझसे हो जाएंगे बट लेंदी है थोड़ा ट्रिक लगेगा, तो इस बार उनको अटेम्प्ट करना है, आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं, नेक्स्ट करते रहें जब तक आपसे क्वेश्चन हो ना, तो क्वेश्चन हुए आपसे कि भाई लेंदी है लेकिन हो जाएगा, कर लेते हैं उसको, तो ऐसे कर करके आपको लेवल 1 में सारे इजी क्वेश्चंस करने हैं जो देख के हो रहे हैं हो जाएंगे, फिर लेवल 2 में आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि हो जाएंगे बट लाइक थोड़ा लेंदी है टाइम लगेगा या थोड़ा ट्रिक लगेगा वो करना है, और लेवल 3 इसमें आपको हार्ड क्वेश्चन जो बचे हुए रहेंगे जो आपके जो आपको लग रहा है कि नहीं होगा मुझसे, लाइक बहुत टाइम लग जाएगा या मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा या फिर मुझसे नहीं होगा,
लास्ट आपको लास्ट में वो सब करने हैं, लाइक आपको हार्ड क्वेश्चन में आधे घंटा लग सकता है शायद, एक उसके देर में आप 5-6 इजी क्वेश्चन कर सकते हैं या मीडियम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको वैसे ही करना है। पेपर को लेवल वाइज करना है, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं जो देख के हो रहे हो, फिर जो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है हो जाएंगे इजीली 2-3 मिनट में, टाइम लगा के लेंथी है तो, एंड लास्ट में आपको हार्ड क्वेश्चन करने हैं जो बचे हुए आपके सारे। तो पेपर स्ट्रेटजी काफी मतलब अच्छी मानता हूँ मैं से, मेरे बहुत से फ्रेंड्स यही यूज करते हैं तो उन्होंने भी क्लियर किया है, तो काफी बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है। जेई के 1 महीने पहले की बात बताता हूँ मैं, लाइक जेई मेन्स और एडवांस के 1 महीने पहले, मतलब आपको जेई मेन्स जनवरी में होने वाला है तो नवंबर दिसंबर के टाइम पर आता हूँ मैं। 1 महीने पहले आप कुछ नया पढ़ना अवॉइड करें, मैं बोलता हूँ जहां तक पढ़ लिया वहां तक करके रखें, एंड रिविजन के लिए आप अपने नोट्स अगर आप बनाते हैं तो नोट्स बनाना काफी बेनिफिशियल रहता है क्लासेस जब जाते हैं ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो काफी बेनिफिशियल रहता है नोट्स लेना, लाइक आपको इंपॉर्टेंट लगा आप नोट्स में लिख लो, रिविजन में बहुत काम आएगा। तो आपको रिविजन में आपको अपने वही नोट्स यूज करने हैं, आप नोट्स प्रेफर भी शॉर्ट बनाइएगा, मतलब नोट्स आप शॉर्ट ही बनाए, शॉर्ट नोट्स जिसको मैं बोलूंगा शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूलाज बेसिक थ्योरी वो सब लिख लें जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज करेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बेस्ड आप नोट्स बनाए। मतलब आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नोट्स आप पहले बना लो चैप्टर पढ़ते ही, आप चैप्टर पढ़ो उसके आप क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको शॉर्ट नोट्स का गोल है 1 महीने पहले रिविजन में काम आना। देखिए आपने मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा आज, आपने आज ही कुछ क्वेश्चंस लगाए उसके, फिर उसके पीवाईक्यूज देखे कुछ, तो फिर आपने जब पूरा चैप्टर कर लिया उसके पीवाईक्यूज कर ले पूरे, तब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप एक ब्लैंक पेज लीजिए, सारे फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट लगे जो आपने पीवाईक्यूज में देखा है वो सब, तो आप हाँ, वैसे आपको करना है, काफी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ तो हाँ, 1 महीने पहले आपको बस अपना नोट्स यूज करना है रिविजन के लिए, कोई नया मटेरियल रेफर नहीं करना है बिल्कुल भी, एंड पीवाईक्यूज आपको रिवाइज करते रहना है, जो पीवाईक्यूज आपने पहले कर रखे हैं उसी को दोबारा रिवाइज करें, उन्हीं को दोबारा अटेम्प्ट करें, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा, प्लस आपको सब रिवाइज हो जाएगा आपने जो किया है, आपको पैटर्न का आइडिया जो था ऑलरेडी और अच्छे से लग जाएगा एक बार फिर से जब भूल गए। 1 महीने पहले आप जो मॉक टेस्ट देंगे, आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दें, मैं बोलता हूँ 1 महीने पहले, लाइक आप मंथ में अगर 2 दे रहे थे 3 दे रहे तो आप एक बढ़ा दें, लाइक 3-4 देने लगे आप, हर वीक देने लगे, लाइक हर वीक एक टेस्ट दे दें सफिशियंट रहेगा मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट 1 महीने पहले आप फुल सिलेबस का करें, लाइक फुल सिलेबस के 11+12 का, तो मॉक टेस्ट से आपको क्या अपना प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ अभी, तो मॉक टेस्ट काफी, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको इवेल्युएट करें, मतलब एनालाइज करें मुझसे कहाँ गलती हो रही थी, मैं इस कॉन्सेप्ट को कहाँ फिक्स कर सकता हूँ, और अगर आपने वो पढ़ रखा है पहले से चैप्टर, आपने स्किप नहीं किया उसको, तो आप उसको एक बार देख लें कि क्यों गलती हुई है, आप समझ लें अच्छे से, ताकि अगली बार क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे वो वाला या उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखे तो आपसे बन जाना चाहिए वो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो लास्ट जैसे मैंने छोड़ दिया था, एनालाइज नहीं किया, अब फिर गिल्ट होगा कि यार क्यों नहीं देखा, तो आप पेपर का एनालाइज जरूर कर लें टेस्ट देने के बाद, एटलीस्ट आपके ब्रेन में एक इंप्रेशन रहती है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा था, मैंने ये गलती की थी, अब करेक्ट से किया था तो आंसर इसका ये होगा। और स्लीप साइकिल अपनी फिक्स कर लें, अगर आपकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आउट ऑफ ट्रैक जा रखी है तो आप 1 महीने पहले अपनी स्लीप साइकिल फिक्स कर लें, काफी लाइक नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहले कहा था। हाँ, और जो आप मॉक टेस्ट दें 1 महीने पहले वो आप प्रेफर करें जेई की टाइमिंग्स में देना, मतलब 9 से 12 या फिर 3 से 6, ये जेई मेन्स की टाइमिंग्स होती है 9 से 12 सुबह और शाम को 3 से 6, तो आप इस टाइम देना प्रेफर करें। हाँ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइम में आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा उस टाइमिंग्स को एफिशिएंसी मोड में एक्टिव करने का, लाइक आप उस समय एग्जाम देंगे अपना मॉक टेस्ट देंगे, आपको ब्रेन को रियल लाइफ में जब एग्जाम देने जाएंगे रियल जेई में, तो आपका ब्रेन उसी मोड में रहेगा जो आपके मॉक टेस्ट के समय रहता था, आपके फुल मोड में, तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा इसका कंपेयर टू आप रात को टेस्ट दे रहे हैं, तो रात को क्या आपको, आप रियल लाइफ में तो रात को देने जाएंगे नहीं टेस्ट रियल जेई में, आपका ब्रेन फुल्ली फंक्शन नहीं करेगा, तो दिन में दे और मेंस के टाइमिंग में दे प्रेफर, तो एडवांस तक यही करना है आपको, मतलब सॉरी मेंस तक आपको यही करना है,
कि मेंस के मैंने पहले से लेके मेंस तक आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं जो आपने लास्ट 10 ईयर्स के प्रेफरेबली रिवाइज करने आपने किए होंगे, और कुछ नया खास नहीं पढ़ना है, और मॉक टेस्ट को देख कर उनका एनालाइज करना है जेई मेंस के दिन पहले से। एनालाइज करते वक्त आपको जो अपनी गलती हुई थी उनको नोट करना है, उनको एक अलग कॉपी में लिखना है कि मुझसे क्या गलती हुई थी, क्या कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ था, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा ना ही पढ़े उनको, नया टॉपिक है कोई तो आपको फालतू का वो लगेगा कि यार मेंस आ गया मुझे कुछ नहीं आता, तो वो नहीं लगना चाहिए। बाकी मेंस में जेई करने के लिए आपको पूरा सिलेबस आना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, लाइक पूरा सिलेबस आता है तो अच्छी बात है, आपको स्कोर अच्छा बनेगा। बट हाँ, आपका मेजोरिटी भी सिलेबस होना चाहिए मेंस में और एडवांस में अच्छे स्कोर के लिए। तो आप मेंस के लिए तो आप मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं कुछ, लाइक बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, मैथ्स में लीनियर वो लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग होता है एक, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह का पार्ट है। तो ये सब टॉपिक काफी इजी मैं मानता हूँ और मेंस में ही आते हैं ये टॉपिक्स। अब वैसे इस साल से एडवांस में भी आने वाले हैं, बट हाँ मेंस में इनका प्रेजेंस ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू एडवांस, तो इनको अच्छे से कर लेने हैं कि ये फ्री के मार्क्स हैं, तो मेंस के 1 महीने पहले आप इन्हें भी रिवाइज कर लें साथ साथ अपने पुराने टॉपिक्स के। तो मेंस के 1 महीने पहले आपको नोट्स करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, गलतियां नोट करनी है, और मेंस के टॉपिक्स आपको अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। फिर मैं मानता हूँ कि आपका मेंस काफी अच्छा जाएगा इस स्ट्रैटेजी से। फिर मेंस के बाद आपको मेंस और एडवांस के बीच में 1 से 2 महीने का गैप मिलता है जनरली, तो उस गैप में आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। एडवांस के लिए प्रिपेयर करना कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है अगर आपने मेंस का अच्छे से किया है तो। एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बस मेंस की नॉलेज आनी चाहिए और एडवांस के प्रॉब्लम्स का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। मतलब पहले बताता हूँ मैं एडवांस के प्रॉब्लम्स होते कैसे हैं। एडवांस में क्या है, अगर कोई टॉपिक है मान लीजिए मेंस के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मेंस में अगर आ रहा है तो उसी टॉपिक से ही आएगा स्पेसिफिकली एनएलएम से, कि ये गाड़ी चल रही है इस स्पीड से, एक्सीलरेशन ब्रेक्स लगा तो कितने डिस्टेंस पर गाड़ी रुकेगी, ये सब एनएलएम का पार्ट है। बट एडवांस में क्या है, वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3-4 क्वेश्चन और लगा दें कि गाड़ी को स्प्रिंग से जोड़ दिया, गाड़ी घूम रही है, फिर आपको काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना के दे देंगे वो 3-4 अलग चैप्टर को मिला के, एंड तब आपको एनालाइज करना है। तो इसका एनालाइज करने के लिए बेस्ट मेथड होता है कि आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर दें 4 पार्ट में। अगर 4 कॉन्सेप्ट चाहें तो 4 पार्ट में ब्रेक कर दें, आपको लगेगा कि आप 4 इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एडवांस में टाइम की कमी कभी नहीं होगी, एडवांस में आपको कभी भी टाइम कमी नहीं लगेगी कि टाइम कम हो रहा है एडवांस के पेपर में, तो इजिली आप सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम को अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो। ये तो एडवांस के प्रॉब्लम बहुत जनरली हार्ड आते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली आप पेपर आपका खराब जाएगा। हाँ, तो मेंस और एडवांस के बीच गैप के बीच में आपको एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने मेरा मतलब इन द सेंस कि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो कि आपको उसका बेस्ट सोर्स है चाहिए एडवांस के पीवाईक्यूज, प्रेफरेबली 2015 और उसके बाद के, लाइक 15 16 17 18 19 20 21 22 जो भी है आपका ईयर तक, तो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लें, एंड पीवाईक्यूज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख लें, मतलब उस पर टाइम दें। आपके पास 1 महीना है, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम है, आप इन पेपर्स को अच्छे से कर लें, लाइक अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से। आपको हर एक सवाल इसका आना चाहिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है टाइम 2-1 घंटा 2 घंटा तो आपके पास टाइम है अभी, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप सॉल्यूशन रेफर करें और अच्छे से समझ लें कि अगर अगर इससे मिलता जुलता सवाल दिख गया मुझे कहीं भी तो मैं करके रहूंगा इस। एंड एडवांस के लिए इतने इनफ है, एडवांस के पीवाईक्यूज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंस एक बार देख के आते हैं ना, आपको लगता है मेंस खत्म हो गया, मेंस के प्रॉब्लम छुटकारा मिल जाता है आपको एक बार, कि वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एडवांस में। एडवांस में अगर आपके पास पेपर में 100 क्वेश्चन है एग्जाम्पल, तो आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेन्स प्लस लेवल के हैं। मेन्स प्लस इन द सेंस मतलब मेंस के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाया है, बस हल्का सा एकदम माइनर सा, तो मैं उसे मेंस प्लस बोलता हूँ। तो वो 25% क्वेश्चन वैसे होंगे जो कि काफी इजी होते हैं, मतलब अगर आपने मेंस के लिए किया है और मेंस और एडवांस के बीच गैप में पढ़ा है आपने 1 महीना, तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे वो सारे प्रॉब्लम।
वो फ्री के 25-30% मार्क्स हैं, एंड फिर बाकी 40% 40% क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े मतलब मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल के होते हैं। मीडियम में भी मोस्टली दो तीन प्रॉब्लम से मिलाते हैं वो, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला के देते हैं मीडियम वाले में, तो अगर आपने 1 महीने अच्छे से किया है आपसे हो जाएगा। हार्ड वाले में ये लोग लाइक पैराग्राफ टाइप में नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एंड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनाते हैं, तो इसके लिए अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तभी सॉल्व होते हैं जनरली, नहीं तो थोड़ा हार्ड होता है सॉल्व करना, ताकि क्वेश्चन एक्चुअली में हार्ड आते हैं, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तभी आप कर पाएंगे इन्हें सॉल्व। तो हाँ, एडवांस के लिए इतना ही था। अगर आपको मैंने जैसे मैंने बताया कि एडवांस के 3 पार्ट होते हैं, इजी वाला पार्ट, मीडियम वाला, हार्ड वाला पार्ट। इजी वाला पार्ट आपका मेंस से आएगा, जो आपने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो मेंस से मिलता जुलता ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उससे, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेंस के लिए पढ़ा है। तो जो मीडियम पार्ट होता है 40%, वो आपने जो 1 महीने पढ़ा है बीच में मेंस और एडवांस के अच्छे से किया है, तो उसके मार्क्स आपके वहां से बनते हैं। फिर बाकी के 40% जो मार्क्स है ना, वो आपके बनते हैं लास्ट के 2 साल की जर्नी के, आपने कितना रिग्रेसली पढ़ा है, कितना एग्जॉस्टिवली पढ़ा है, कितना दिमाग है आपके पास, वो सबका कॉम्बिनेशन से वो सॉल्व होता है। वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं एंड उनको सॉल्व करने के लिए आपको पीवाईक्यूज अच्छे से आने चाहिए, पीवाईक्यूज के जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आने चाहिए, एंड आप अगर आपने कुछ अलग टेक्स्ट बुक रेफर किया है तो उसकी भी अच्छे प्रॉब्लम्स के सेट होता है, लाइक लेवल लेवल 3 होता है कुछ बुक्स में, लाइक एडवांस प्रॉब्लम्स होता है, तो वो सब अच्छे से आना चाहिए एंड आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। लाइक एनालिसिस इंजीनियरिंग बहुत अच्छी स्किल है जेई के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए एनालिसिस करना, लाइक टेस्ट एनालाइज करना, पेपर एनालाइज करना, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना, टेस्ट को एनालाइज करना, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपने अगर एनालाइज कर रखा पीवाईक्यूज को, तो आपको जनरली ट्रेंड का आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर से ऐसे हार्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस टॉपिक से ईजी आ रहे हैं, इस टॉपिक से हार्ड आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा जो जो मैंने किया ना किया, जिससे मेरी रैंक 3600 आई, वरना 360 भी आ सकती थी, लाइक रैंक इम्प्रूव करना। तो मैंने क्या है, एडवांस के जो हार्ड प्रॉब्लम्स थे ना उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी, लाइक मैंने इजी और मीडियम वाले पार्ट तो कर लिया था, बट जो एग्जॉस्टिव पार्ट होता है लाइक बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जो, तो उसकी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी कम की थी, काफ़ी थोड़ा लेजी टाइप का था, बट हाँ तो वो सारी प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी। ओके, अगर आप वो सब कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका स्कोर एडवांस से बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर आप हार्ड वाले पार्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब इजी वाला पार्ट, मीडियम वाला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से, तभी आपसे हार्ड वाले हो रहे हैं। तो हार्ड वाले के लिए प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स करने पड़ेंगे जेई एडवांस की, वैक्यूज के हार्ड पार्ट वाले करने पड़ेंगे। हाँ, एंड अगर आप जेई एडवांस के साथ साथ अगर आप ओलंपियाड्स का पढ़े थोड़ा बहुत, लाइक फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड के लिए थोड़ा बहुत पढ़े, तो काफी बेनिफिशियल रहता है आपको वो एडवांस के हार्ड प्रॉब्लम्स के लिए। आपसे काफी अच्छा इंट्यूशन डेवलप होता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, तो आपको सब्जेक्ट के जब इंटरेस्ट डेवलप होगा ना तो आप हार्ड प्रॉब्लम्स भी क्रैक कर सकते हैं उसकी, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। तो जेई के लिए इतना ही था, एंड मैंने IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। ओके, मुझे मेरी रैंक तो वही मिल रहा था, एंड काफी अच्छी ब्रांच है, रिसर्च बेस्ड ब्रांच है थोड़ी, तो काफी बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, तो मैं सपोज करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, काफी है, बाय।